दोस्तों नमस्कार, मैं हूं लोकेश भारद्वाज। जो राज आप देख रहे हैं मेरठ मैजिक में मोदी मंदिर यानी के लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में। जी हां दोस्तों, 1936 में राय बहादुर मोदी ने इस मंदिर का निर्माण कराया और इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। जी हां दोस्तों, NH 58 पर स्थित यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ और बिरला मंदिर की तर्ज पे बना हुआ यह मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखें तो इसके अंदर एक संग्रहालय भी मौजूद है और इसका परिसर काफ़ी विशाल है। जी हाँ दोस्तों, इसका निर्माण इतना खूबसूरत है कि इसको इसमें लाल पत्थर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर परिसर में कुछ फाउंटेन भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी इस परिसर में कुछ जगह जगह पर फाउंटेन अलग अलग दिशा में बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो यह मंदिर परिसर काफ़ी विशाल है। संडे के दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। जी हाँ दोस्तों, यह इसके अंदर 3 चोटियां मौजूद हैं मंदिर की और वो काफ़ी ऊंची हैं जो काफ़ी दूर से नज़र आती हैं। NH 58 पर स्थित होने के कारण इसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुगण इस मंदिर में आते हैं और विशेष तौर पर जब कोई हिंदुओं का त्यौहार होता है या शिवरात्रि होती है तो यह उस दिन बेहद खूबसूरत लगता है क्योंकि इसको अच्छी तरीके से सजाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, परिसर में सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी गार्ड मौजूद हैं जो लोगों की मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चप्पल रखने की भी व्यवस्था अच्छी खासी है। इसके अलावा भी जैसे आप गेट पर मौजूद होंगे तो आप उसमें प्रसाद और काफ़ी फल फूल भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बिल्कुल ही बगल में ही जैन सिकंजी, जैन स्वीट्स और काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं जहां से आप अपने चीज़ों को ख़रीद सकते हो। पूरा मोदी नगर मोदियों द्वारा बसाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके आसपास यदि सामने आप देखें तो मोदी भवन मौजूद है और उस परिसर में ही एक मोदी मिल भी मौजूद है जहाँ पर शुगर तैयार की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी मोदी नगर में काफ़ी इंडस्ट्री मौजूद है। यह इंडस्ट्री अब फिलहाल लगभग बंद है, कुछ ही इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन एक समय पर पूरे मोदी नगर के अंदर काफ़ी इंडस्ट्री चल रही थी जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा था, परंतु कुछ कारणवश यह फैक्ट्रियाँ बंद हो गई जिस कारण से यहाँ पर रोज़गार थोड़ा कम हो गया है। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और उन लोगों ने अपना और काम शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो शाम को इस मंदिर में ज़रूर आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और इस कोरोना काल में जो समस्या आई है उस दौरान ये मंदिर भी काफ़ी समय तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहा, परंतु इसकी पूजा पाठ निरंतर चलती रही। जी हाँ दोस्तों, अब भी इसी के अंदर इसको देखते हुए थोड़े श्रद्धालु कम आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना ख़त्म होता जा रहा है उस दौरान अब श्रद्धालुओं का बढ़ना जारी है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आपके हिंदुओं के त्यौहार आते हैं उस पर यह मंदिर पूरी श्रद्धा भाव से इसको सजाया जाता है और मोदी नगर के ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु यहाँ पर अक्सर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर शाम को यहाँ पर लोग अक्सर भगवान से प्रार्थना करते हैं और पार्क में अपना आनंद प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी हाँ नमस्कार दोस्तों।